everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on keep or drop decision, right? So Rabi Limited is considering the discontinuance of division C. The following information is given. Rabi Limited क्या consider कर रही है? Discontinuance of division D. तीन division है A, B, C. Rabi Limited सोच रही है division C को discontinue करने का. The following information is given, right? Particulars division A and B, division C and total. Sales maximum achievable. Maximum कितना sale achieve हो सकता है? 41,40,000 और डिवीजन सी में 5,17,500 टोटल 46,57,500 लेस वेरिएबल कॉस्ट डिवीजन ए और बी में कॉस्ट कितना लगेगा 20,70,000 डिवीजन सी में 2,76,000 और टोटल 23,46,000 कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके आ गया देन लेस स्पेसिफिक अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट स्पेसिफिक अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते हैं जो अगर सपोज डिवीजन सी डिसकंटिन्यू हो गया तो उसका फिक्स्ड कॉस्ट भी अब नहीं लगेगा अगर फिक्स्ड कॉस्ट स्पेसिफिक नहीं होता तो क्या होता भले ही डिवीजन सी डिसकंटिन्यू हो जाता लेकिन वो फिक्स्ड कॉस्ट लगता ही रहता लेकिन ये स्पेसिफिक है टू दैट डिवीजन मतलब ये वाला फिक्स्ड कॉस्ट अगर डिवीजन सी डिसकंटिन्यू हो जाएगा तो लगना बंद हो जाएगा राइट डिविजनल इनकम कितनी हुई कंट्रीब्यूशन में से स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिए तो क्या आ गई डिविजनल इनकम आ गई ये 6,21,000 डिविजन ए एंड बी का और डिविजन सी का क्या है लॉस है 1,72,500 का इसीलिए शायद राबी लिमिटेड सोच रही है डिविजन बी को डिसकंटिन्यू करने के लिए क्योंकि वो लॉस दे रहा है राइट The rates of variable cost are 90% of the normal rates due to the current volume of operation. There is adequate market demand. For any lower volume of operation, the rates would go back to the normal rates. मतलब क्या? देखिए जो अभी वेरिएबल कॉस्ट के रेट हैं ये वेरिएबल कॉस्ट के रेट क्या है 90% है नॉर्मल रेट के मतलब जितना वेरिएबल कॉस्ट 100% लगने वाला था उसका सिर्फ 90% कॉस्ट लग रहा है बिकॉज ऑफ करंट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन राइट क्या है एडिक्वेट मार्केट डिमांड है एडिक्वेट मार्केट डिमांड होने की वजह से क्या है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने के लिए वेरिएबल कॉस्ट 10% से कम लग रहा है जहां 100% लगता है वहां 90% ही वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन कम हुआ तो क्या होगा रेट्स वुड गो बैक टू द नॉर्मल रेट्स रेट कहां चले जाएंगे नॉर्मल रेट पे चले जाएंगे सपोज डिवीजन सी क्या हुआ डिसकंटिन्यू हुआ तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट विल गो बैक टू 100% समझा अभी एडिक्वेट मार्केट है 100% वेरिएबल कॉस्ट नहीं लग रहा है 90% लग रहा है डिविजन सी क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यू हो जाएगा लोअर वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट विल गो बैक टू 100% राइट फैसिलिटीज रिलीज बाय डिसकंटिन्यूइंग डिविजन सी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस जो डिविजन सी के डिसकंटिन्यूएंस से फैसिलिटी रिलीज हो रही है जो लेबर या कुछ भी रिलीज हो रहा होगा जितनी भी फैसिलिटीज रिलीज हो रही है वो कोई और पर्पस में यूज नहीं हो सकती मशीन स्पेस या जो भी ठीक है रिक्वायर्ड कमेंट ऑन द डिसीजन टू डिसकंटिन्यू डिविजन सी यूजिंग रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच जो रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच है वो यूज करना है और आपको कमेंट करना है डिसीजन टू डिसकंटिन्यू सी क्या वो सही है रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच के हिसाब से या फिर वो सही नहीं है सो बेसिकली देखिए डिसकंटिन्यू करेंगे जब डिविजन सी तो क्या होगा दो बात होगी एक तो ये स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट ये बच जाएगी इसकी सेविंग हो जाएगी स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट की लेकिन खर्चा ज्यादा कहाँ होगा ये 90% है वेरिएबल कॉस्ट अभी कितने लग रहे थे 90% तो ये वाले वेरिएबल कॉस्ट क्या है 90% है अब 100% लगने लगेंगे जो 10% इंक्रीज होगा उसका खर्चा बढ़ जाएगा और ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये बच जाएंगे जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो देखेंगे लॉस आ रहा है या फिर प्रॉफिट राइट सेविंग हो रही है या फिर लॉस हो रहा है और उससे हम डिसीजन लेंगे सो स्टेटमेंट यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच
सेविंग्स, वन देखिए सेविंग्स ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस ऑफ डिवीजन सी. क्या सेविंग है? मैंने आपको बोला स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट की सेविंग है, क्योंकि वो डिवीजन स्पेसिफिक है. जब वो डिवीजन डिसकंटिन्यू हो जाएगा तो वो फिक्स कॉस्ट लगना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा. कितना सेविंग होगा? 4,14,000, राइट? 4,14,000. नाउ टू इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस. ये क्या हुआ? ऊपर वाला तो ये फर्स्ट क्या है? सेविंग इन कॉस्ट है. अभी इंक्रीज कॉस्ट में क्या होगा? आप देखिए, इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 10% इंक्रीज होगा वेरिएबल कॉस्ट में. एट द रेट 10% इंक्रीज होगा. जो अभी वेरिएबल कॉस्ट है वो तो कितना है? 90% है. यानी 20,70,000 कितना है? 90% है. ये क्या है? 20,70,000 ये क्या है? 90% है. तो 10% कितना होगा? 70,000 डिवाइडेड बाय 90% इनटू 10% कितना होगा? 2,30,000. सो बेसिकली, और एक और इंक्रीज है, रुकिए, इंक्रीज इन कॉस्ट लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन. लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? देखिए, जब आप ये डिवीजन सी का डिसकंटिन्यू करेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा. माना ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसकी सेविंग होगी, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन का तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, राइट? लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना? 2,41,500. इसको देखिए एक और तरीके से पुट कर सकते हैं कि डिवीजन हम रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच में दिखा रहे हैं तो ऐसे ही दिखाएंगे कि लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारा लॉस है, ठीक है? फिक्स्ड कॉस्ट में सेविंग हमारी सेविंग है. और एक और लॉस क्या है हमारा? एक और लॉस है हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट 10% एक्स्ट्रा लग रहा है उसको. लेकिन एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि देखिए दो बात हो रही है. एक तो सी में जो ये लॉस हो रहा है वो लॉस अब नहीं हो रहा, ठीक है? जो सी में ये डिविजनल इनकम का ये लॉस हो रहा है वो लॉस अब हमको नहीं होगा. और दूसरा, ये जो हमारा वेरिएबल ओवरहेड है उसमें क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है, उसमें 10% इंक्रीज है. 10% इंक्रीज है यानी एक्सपेंस बढ़ गए. किससे? 2,30,000 से हमने निकाला. 10% इंक्रीज मतलब एक्सपेंस बढ़ गए किससे? 2,30,000 से. और ये लॉस जो अब हमारा हो रहा है, ये जो लॉस अब हमारा हो रहा है वो लॉस भी अब नहीं होगा. मतलब लॉस नहीं होगा, वो हमारी सेविंग हो जाएगी. तो अब कितना आएगा? देखिए, एक्सपेंस बढ़ेगा और लॉस नहीं होगा, मतलब अब वो हमारी सेविंग हो जाएगी. तो कितना? 57,500. ये क्या है? इतना हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ लॉस ओवर सेविंग. क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल जो कॉस्ट है ये एक्सपेंस हो जाएगा, ये हमारा लॉस हो जाएगा. और ये जो लॉस होने वाला था वो अब नहीं होगा, उसकी सेविंग हो जाएगी. तो ये सेविंग है. तो एक्सेस ऑफ लॉस ओवर सेविंग कितनी है? 57,500. उसी को अलग तरीके से पुट किया, ये जो आपने सी की टोटल इनकम ली थी वो टोटल इनकम नहीं ली, ये लिखा कि कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा और जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो बच जाएंगे, उनकी सेविंग होगी. और ये जो इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट है वो तो लिखा ही हमने, ठीक है? ये लॉस है. सो टोटल लॉस ओवर सेविंग्स कितने? 1 - 2 - 3 57,500, right? So there is a loss of rupees 57,500 over savings. Hence, division C should not be discontinued according to
रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच। देखिए आप सिंपली जब देखते तो आपको दिखा कि सी में लॉस हो रहा है तो आपको सी डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, लेकिन अगर आप रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच के एंगल से देखेंगे तो लॉस ओवर सेविंग्स कितनी है, मतलब सेविंग्स के ऊपर लॉस कितना आ गया 57,500, मतलब 57,500 का हमको लॉस हो जाएगा अगर हम डिसकंटिन्यू कर देंगे सी को। सी को डिसकंटिन्यू करेंगे तो दो बात होगी, मैं रिपीट कर रही हूँ कोई भी कंफ्यूजन हो तो, सी को डिसकंटिन्यू करेंगे तो दो बातें होगी, ये जो लॉस हो रहा था ऑलरेडी 172,500 का वो नहीं होगा, मतलब वो हमारी सेविंग है 172,500, वो लॉस अब नहीं होगा, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा लगेगी कितनी 2,30,000, मतलब ये लॉस है ये एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी और ये सेविंग है, तो दिस माइनस दिस 57,500 की क्या हो गया लॉस ओवर सेविंग, लॉस ज्यादा हो गई सेविंग से। दूसरे तरीके से लेंगे तो ये 2,30,000 तो ठीक है लॉस है ही, ये हमको कॉस्ट लग ही रहा है एक्स्ट्रा, लेकिन ये जो 172,500 है उसको स्प्लिट कर सकते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन में लॉस हुआ 241,500 और ये फिक्स्ड कॉस्ट में क्या हुई सेविंग हुई 4,14,000, जब इसको नेट ऑफ करेंगे तो यही आएगा 2,41,500 और 4,14,000 की हमारा जो लॉस है वो होने से बच गया, हमारी सेविंग हो गई, राइट। सो दिस वाज इट, ये क्या डिसीजन था कि हमको डिसकंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है, राइट। तो इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू अस, बाय बाय।